वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आपके लिए कर रही हूँ 9 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका जीके का पोर्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके, आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता ही है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हमारे 5 सदस्य हैं। ठीक है, तो जो भी आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा, जो आपको लगता है इन चारों के छोड़कर जो भी दूसरा कंट्री दिया होगा, दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। What is the purpose to launch PM's उजाला योजना? प्रधानमंत्री की जो उजाला योजना है उसको लॉन्च करने का उद्देश्य बताइए। अब इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड एलपीजी सिलेंडर्स टू हाउसहोल्ड्स जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, अब मैं एक बार इसका पढ़ देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये प्रधानमंत्री की उजाला योजना है, बहुत ही एम्बिशियस सोशल वेलफेयर स्कीम है ये करंट गवर्नमेंट की, और इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। और इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी एलपीजी कनेक्शंस उन हाउसहोल्ड्स को जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है इन द कंट्री। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो हमारी अनक्लीन कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कि उपले वगैरह इस्तेमाल होते हैं रूरल इंडिया में जो काफी बीमारियों का कारण है, उनको रिप्लेस किया जा सके और हम उनको क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कर सके। अगर आप रेडियो वगैरह सुनते हैं तो उस पर बहुत आता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा उजाला स्कीम के बारे में। आगे है विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन चंपारण। गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, वहां पर इंडिगो प्लांटर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए। एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को इस दिक्कत के बारे में बताया था। फिर गांधी जी वहां पहुंचे थे और वहां पर गांधी जी ने पहली बार किया था सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि जैसे वो वहां पहुंचे थे उनको जाने के लिए कहा गया था और उसके बाद उन्होंने अथॉरिटीज का ये उनको जो जाने के आदेश दिए गए इस आदेश को डिफाई किया था। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल टीम। एक वॉलीबॉल टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं, 2 टीम्स होती हैं जिनके बीच में मैच होता है, बीच में नेट लगा होगा और 6 मेंबर्स एक टीम में। व्हाट इज द रीजन ऑफ मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, जैसे मान लीजिए कि एयर से वाटर में गई, अगर लेस डेंस से ज्यादा डेंस में जाती है तो वो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी उसमें डिविएशन होता है पाथ में और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो मिराज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। How is oxygen transported in blood? By the help of hemoglobin. Who administers the oath of office to the president? राष्ट्रपति को उनके पद की गोपनीयता की शपथ वगैरह कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Sovereignty in constitution is related to, अगर आप अपना प्रियम्बल पढ़े तो उसमें लिखा है ना sovereignty, sovereign, इंडिया एक sovereign state है। Sovereign का मतलब क्या होता है? Sovereign का मतलब ये होता है कि internal और external matters में इंडिया अपने decisions लेने के लिए free है, कोई भी external country इंडिया को dominate नहीं कर सकती। तो अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ कहलाता है सॉवरेनिटी। आगे है व्हाट इज साइक्लोन कॉल्ड इन चाइना। चाइना में साइक्लोन को क्या कहते हैं? चाइना में साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। हु गॉट द इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2016। 2016 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन को 2016 में, और ये उनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है, उनका मेन फंक्शन क्या है? उनका मेन फंक्शन है कि जो फालतू चीजें हैं हमारे शरीर में उनको फिल्टर आउट कर दे। सारी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर है उनकी जरूरत नहीं है हमें, तो वेस्ट एक्सक्रीशन और फिल्ट्रेशन ये किडनी का पर्पस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है आपका किडनी। What is the theory of equilibrium? Economics का question। यहाँ पर ये कहता है कि वो condition जिसमें कि economic forces balance out हो जाती हैं, वो theory of equilibrium है। Television की खोज किसने की? Television की खोज की है John Logie Baird ने। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको 3 नाम मिलते हैं, लेकिन बीबीसी ने ये ऑफिशियली फिर डिक्लेयर किया था कि इसका क्रेडिट टेलीविजन के इन्वेंशन का क्रेडिट, ये डिस्कवरी तो नहीं है, टेलीविजन के इन्वेंशन का जो क्रेडिट है वो जाता है जॉन लॉगी बियार्ड को। ओके, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जिसमें टेम्पल्स और स्टेट्स को आपको मैच करना था। एक तरफ टेम्पल्स के नाम दिए हुए थे, एक तरफ स्टेट्स के नाम दिए हुए थे, और एक और क्वेश्चन था जो बुक्स एंड ऑथर्स से संबंधित था। ये सभी क्वेश्चंस आए हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट में जो हुई है 9 अगस्त को। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।